नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों हो जाइए सावधान, जिसका डर था वही कांड हो गया। अगले 3 दिनों के बीच जो घटना होने वाली है सुनकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही बात हम आप सभी को बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आप सभी को जानकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों ऐसी घटना आपको अपने जीवन काल में बहुत ही कम देखने को मिलती है। दोस्तों यूं कहें तो महादेव का तीसरा आंख खुल चुका है। अगले 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ा तांडव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ग्रह सितारों द्वारा कुछ ऐसे समाचार निकल कर आ रहे हैं जो कि दोस्तों सभी राशियों को कुछ न कुछ प्रभावित करने वाला है। परंतु दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके ऊपर कौन कौन से नकारात्मक और कौन कौन से सकारात्मक असर डालने वाले हैं, आने वाले अगले 3 दिनों तक किस तरह से आपको संभल कर रहना होगा, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य अभी आपको नहीं करने चाहिए, इससे कैसे बचना है, कौन कौन से उपाय करनी है, इसकी जानकारी हमने आगे इस वीडियो में प्रदान किया है। दोस्तों हमारी बताई गई इन बातों को अगर आप अच्छे से पालन कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आने वाले 3 दिन तक आपका अच्छे से गुजर जाएगा और दोस्तों आपकी जीवन की गाड़ी वैसे ही पटरी पर चलती रहेगी। आइए दोस्तों बात करेंगे अगले 3 दिनों में कौन कौन सी खास सावधानियां आपको बरतनी है और वीडियो के अंत में 1 से 2 उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो कि दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर जो भी व्यक्ति यह उपाय कर लेगा उन्हें अपने जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक शुभ विचार आप सभी के सामने रखना चाहती हैं। देखिए दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहती हैं, प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। कोहरा हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई न दे, तो व्यर्थ की चिंता करने की बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं आने वाले अगले 3 दिनों की। तुला राशि वालों, दोस्तों यह समय किसी भी नशापान व्यक्ति या लॉटरी वैष्णव से दूरी बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। गैर कानूनी कामों से अभी आपको भी दूरी बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई गलत आरोप लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सितारे कहती हैं, दूसरों से ज्यादा उम्मीद लगाकर रखना खुद के लिए ही दुखदायी साबित हो सकता है, इसलिए आपको खुद से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी के भी साथ शेयर ना करें। किसी धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आपको बहुत अधिक सुकून मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे आपका कोई करीबी आपके साथ कोई छल या फिर कोई बात विवाद कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें और अपनी पर्सनल योजनाएं सीक्रेट बातें किसी से भी अभी आप शेयर ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसके उपरांत कोई भी परेशानी या समस्या आने पर विश्वसनीय लोगों की सलाह अमल करना आपके लिए अति आवश्यक है, निश्चित ही आपको बेहतर समाधान मिलेगा। विद्यार्थी व्यर्थ की मौज मस्ती में समय को व्यतीत करके अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी प्रकार की समझौता ना करें, ये आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दूसरों को अपने व्यक्तिगत मामले में दखल ना देने दें। कोई भी नजदीकी व्यक्ति ही आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकता है और आपके साथ छल हो सकता है। आर्थिक रूप से कुछ उलझने और समस्याएं आपके साथ भी आ सकती है, हालांकि समाधान भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर कोई करीबी है तो उनसे आप जो है अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा। इसके उपरांत यह समय पैसा आने के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। बाहरी कार्यों के साथ साथ आपको पारिवारिक पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना आपके लिए उचित रहे, क्योंकि नुकसान होने की आशंकाएं कुछ ज्यादा ही बन रही है। आपको इस समय खासकर गाड़ी वाहन का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहद ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके उपरांत ऑफिस के कार्यों में आपको इस समय थोड़ा जो है देखरेख ज्यादा करना होगा और एक दूसरे पार्टनर पर आपको अधिक भरोसा करने से अभी बचना होगा। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपकी उपस्थिति सराहनीय रहेगी।
किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में आपकी मेहनत कामयाब रहेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से केंद्रित रहेंगे। घर से संबंधित कोई भी विवादित मसला आपस में ही बैठकर सुलझा लेने से परिस्थितियां जल्द ही अनुकूल हो जाएगी और अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। और इस समय वाहन आदि खरीदने की अगर आप प्लान है तो कुछ समय के लिए उसे स्थगित रखना आपके लिए उचित है, क्योंकि ग्रह गोचर अभी आपके पक्ष में उतना नहीं है। आपको बताना चाहेंगे इस समय आपको सावधानी अधिक से अधिक बरतना आपके लिए ही उचित रहेगा। आपको व्यक्तिगत मामलों में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होने देना है। पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में अभी आप ना उलझें। ज्यादातर संबंधी किसी भी प्रकार का ऋण लेने से आपको पहले संबंधित सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श अवश्य कर लेना चाहिए, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी कार्य व्यवसाय को लेकर बात करें तो अभी कार्यस्थल की आंतरिक व्यस्तता को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। आपके कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग खास तौर से अभी सावधान रहें, क्योंकि पैसा अगर आप लगाएंगे तो संभावना है पैसा आपका फंस सकता है। ऑफिस में प्रतिद्वंदी आपकी उन्नति को देखकर जलन की भावना रख सकती हैं। आपको एक दूसरे पर अभी नजर रखना होगा, खासकर जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे अभी आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा परेशानी आपके लिए खड़ी करा सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय लोहे से संबंधित व्यवसाय में कुछ नुकसान की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि इस समय कोई भी नया निर्णय ना लें। नौकरी पैसा लोगों को कोई मनचाही यात्रा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से और आपकी समय की बर्बादी की वजह से वह ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, हाथ से छूट सकता है। इसलिए आपके साथ और आपके हाथ में कोई मौका आता है तो आपको ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करते हुए आपको उसे तुरंत अमल करना होगा, तभी आप उसमें जो है सफल हो पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। आपसी संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेगी। युवाओं की जिम्मेदारी और अधिक गहरी होगी, लेकिन आपको इस समय किसी भी विवाहितर या फिर प्रेम संबंधों से गलत या व्यर्थ है तो उनसे दूरी बनाकर रखना होगा। इसके चलते आपके घर में भी माहौल खड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। प्रेमी जोड़ों के लिए समय अभी अच्छा है, लेकिन आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। इसके उपरांत बदलते मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रही है, इसलिए उचित सावधानी बरतें और नित्य व्यायाम करते रहें आपके स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा। दोस्तों, खास उपाय की अगर बात करें तो 38 काली उड़द दालें लेनी है और 40 चावल का दाना ले मिलाकर किसी एक गड्ढे में मिला देनी है और उसके ऊपर नींबू को निचोड़ते हुए आपको शत्रु का नाम लेते हुए आपको शत्रु का नाम लेना है और उस समय ही आपको नींबू निचोड़ना है। उसके आपका जो शत्रु है धीरे धीरे शांत हो जाएगा और कोई भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा और कोई भी असर आपको नहीं होगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारगर और चमत्कारिक है। अगर आपका कोई शत्रु बार बार लगातार परेशान करते हैं तो ही करिएगा। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों।